अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। की रेसिपी और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो बहुत टाइप्स की चिकन कढ़ाई होती हैं, लेकिन आज जो मैं चिकन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ है खड़ा मसाला चिकन कढ़ाई। सो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में जो है ये 1.5 pound बोन का चिकन है, एंड देन उसके बाद जो है ये 2.5 tablespoons ऑयल है, 4 tablespoons जो है हमारे पास टोमेटो सॉस है, ठीक है, आप 4 tomatoes भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन ये जो है हमारे पास 4th part है अनियंस का, 1 teaspoon जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है, एंड जैसे कि मैंने कहा ये खड़ा मसाला चिकन कढ़ाई है, सो इसमें हमारे पास जो 1/2 teaspoon जो है सॉल्ट है, एंड 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर है, प्लस 1 teaspoon जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, एंड 1 teaspoon जो है क्यूमिन सीड्स हैं, देन 1 teaspoon जो है रेड चिली पाउडर है, 1 teaspoon जो है वो टर्मरिक पाउडर है, एंड ये जो हमारे पास 4 cloves हैं, ठीक है, ये जो 2 जो है ब्लैक कार्डमम है, एंड ये जो हमारे पास 2 curry leaves हैं, ठीक है, जिसको मैंने हाफ में कट कर लिया, एंड ये सिनेमन है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा सिनेमन हम यूज़ करेंगे। एंड देन लास्टली जो है ये चीज़ें जो है हम अपनी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो ये जो हमारे पास कोरिएंडर है, ठीक है, एंड ये 3 जो है ड्राई रेड चिलीज है, ठीक है, एंड ये जिंजर है, एंड देन ये लास्टली जो हमारे पास मेथी है यानी फेनिग्रिक लीव्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैन जो है उसमें हमने ऑयल डाल दिया है, एंड अब हमारे अनियंस इसके अंदर जाएंगे। जी अनियंस जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, एंड अब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर जाएगा, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर जो हम अपने खड़ा मसाला ऐड करेंगे, ये करी लीव्स इसके अंदर चले गए, ब्लैक कार्डमम्स भी चली गई, एंड सिनेमन भी, क्लोव्स भी हमने इसके अंदर डाल दिए, क्यूमिन सीड्स भी हमने इसके अंदर डाल दिए। ये हमने इसके अंदर ये खड़ा मसाला ऐड किया, हम इसको मिक्स कर लेंगे। खड़ा मसाला है उनको मिक्स के लिए अब हम अपने चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए चिकन इसके अंदर ऐड हो, अब हम इसको मिक्स करेंगे फॉर अबाउट 2 to 3 minutes के लिए। ये देखिए चिकन जो हमने मसाला में मिक्स कर लिया, उसके ऊपर इसका लिड रखेंगे फॉर अबाउट 5 minutes। अच्छा जी, तो हम इसका लिड हटा देंगे, एंड ये देखिए हमारे चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी। इसमें मैंने वाटर बिल्कुल नहीं डाला था, बिकॉज चिकन जो है उसमें ऑलरेडी वाटर जो है उसमें से रिलीज होता है। सो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, एंड इसका जो वाटर जो है उसको वेपोरेट किया। अब देखिए इसका जो रिमेनिंग वाटर था वो हमने वेपोरेट कर लिया है, एंड अब हमारे मसाले इसमें डल जाएंगे। इसमें हमने अपना टोमेटो पेस्ट ऐड कर लिया, आप टोमेटोज ऐड कर सकते हैं इसमें, और ये जो ड्राइड रेड चिलीज थी वो भी हमने इसके अंदर ऐड करी, ताकि जब हम इसको मिक्स करें तो उसका टेस्ट उसके अंदर चला जाए। और अब हम इसको मिक्स करेंगे फॉर लाइक 2 to 3 minutes के लिए, तब तक मिक्स करना है जब तक इसका एक्सेस ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए इससे। जो ऑयल जो है इसमें से सेपरेट हो गया, और हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे, एंड हमारी जो कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। ओरिएंटर ऐड करने के बाद जो है इसमें हमने ये जिंजर ऐड कर लिया, उसके बाद लास्टली जो हम इसके ऊपर थोड़े से ये फेनिग्रिक लीव्स यानी मेथी स्प्रिंकल कर लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो ये इट्स अप टू यू। सो ये है जी हमारी खड़ा मसाला चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक, एंड बहुत ही झटपट ये रेडी होती है। इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।